नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आज एक और गाड़ी है, बुलेरो पावर प्लस, जैसे कि देख पा रहे ऊपर लिखा हुआ है बुलेरो पावर प्लस। ठीक है, इसमें सूटमास वेरी आई का कोड है, जैसे कि देख पा रहे हैं सूटमास वेरी आई एंड सूटमास हाई। ठीक है, और ये सूटमास बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना सूटमास है। ये सूटमास है 100 ग्राम का सूटमास है। ठीक है, तो मैं लाइव डाटा में जाके दिखाता हूँ, दिखाने का कोशिश करूंगा आप लोगों को लाइव डाटा में जाके। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ये एरो में, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा डीपीएस एंड सूट मास, यहाँ पे क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड, ठीक है, प्रोसीड के बाद यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे देखिए सूट मास 100 ग्राम है। जैसे कि देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे इस लाइन में देखिए सूट मास 100 ग्राम है, 100 ग्राम, जैसे कि देख पा रहे सूट मास 100 ग्राम है। और इसको रीजनरेशन भी नहीं हो पा रहा है, तो इसको रीजनरेशन करने के लिए सूट मास को लो करना पड़ेगा। लो करने के लिए इसमें ज़रूरत है आईडी पासवर्ड का, जो डीपीएफ रिसेट का पासवर्ड आता है उसका। ठीक है, तो मैं इसको आज पासवर्ड देकर इसको लो करेंगे सूट मास, और इसका रीजनरेशन भी करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे, एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो कोड है क्लियर भी नहीं होगा। देखिए जैसे कि क्लियर करेंगे यहाँ पे, जब तक ये कोड क्लियर नहीं होगा तब तक रिजेक्शन नहीं होगा। देखिए यस, देखिए क्लियर तो अभी हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा देर बाद फिर से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार डीडीसी रीड करेंगे तो फिर से ये कोड आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देखिए, देखिए ऑटोमेटिक आ चुका है, फिर से ये दोनों कोड आ चुका है, सूट मास हाई एंड सूट मास वेरी हाई। तो इसके लिए हम अभी राइट डाटा में जाएंगे। राइट डेट में जाके जैसे कि आप जानते हैं, इसको डीपीएफ राइट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ के क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ता है, उससे पहले यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जाना पड़ता है। ऑथेंटिकेशन जाने के बाद यहाँ पे अपना क्या बोलता है, यहाँ पे अपना थार नंबर दे के उसके बाद ये कोड निकलेगा। ठीक है, उस कोड को कॉपी करके फिर कोड मतलब अपना सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से कोड पासवर्ड निकलेगा। ठीक है, तो वो सब मैं पहले ही कर चुका हूँ, वीडियो नहीं बड़ा करके मैं उसको पहले मैं निकाल चुका हूँ, और इससे पहले वीडियो में भी हमने उसको बताया कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट हम अभी जाते हैं डीपीएफ राइट में, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। डीपीएफ राइट में जाने के बाद अभी यहाँ पे देखिए इंटर पासवर्ड। ठीक है, तो इस पासवर्ड को अभी हम निकाल चुके हैं, निकालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे, डालने के बाद ये रिसेट करेंगे तो रिसेट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डाल देंगे, डालने के बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, पासवर्ड हम डाल दिए हैं, डालने के बाद अभी डीपीएफ रिसेट करेंगे, इनवैलिड पासवर्ड हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं गलत हुआ है क्या। ठीक है, करते हैं डीपीएफ रिसेट। देखिए काइंडली श्योर द डीपीएफ डेल्टा प्रेशर इज रिप्लेस, क्लिक यस, तो अभी करेंगे यहाँ पे यस, यस करने बाद यहाँ पे देखिए डीपीएफ रिसेट डन सक्सेसफुली, डीपीएफ अभी रिसेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो एक बार हम और डाल लेते हैं, रिसेट यस सक्सेसफुली। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे वहां पे सूट मास कितना आया, लाइव डाटा में देखेंगे सूट मास जाके कितने ग्राम सूट मास आया है। लाइव डाटा में चलते हैं, चलने के बाद यहाँ पे देखिए एरो में क्लिक करते हैं, करने के बाद डीपीएस एंड सूट मास में क्लिक करते हैं, करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड के बाद थोड़ा वेट करते हैं, वेट देखिए, वेट करने के बाद देखिए आ चुका है सूट मास, देखिए यहाँ पे 0.79 ग्राम आ चुका है। पहले यहाँ पे 100 ग्राम सूट मास था, इस लाइन में देखिए पहले 100 ग्राम सूट मास था, अभी 0.79 ग्राम सूट मास आ चुका है। डीपी पासवर्ड से रिसेट करने के बाद सूट मास एकदम
लो हो गया है, ठीक है। तो अभी DTC देखने के लिए अभी चलेंगे हम लोग DTC में। DTC में जाने के बाद देखिए ये कोट हिल्ड में आ चुका है, ठीक है। अभी ये कोट इरेज भी हो जाएगा, तो इसको करते हैं इरेज। इरेज करने के बाद इसको करते हैं यस। यस करने के बाद देखिए अभी तक कोई कोड आया नहीं है, तो एक बार हम और एक बार DTC में क्लिक करके दिखाते हैं। देखिए अभी कोड नहीं है, एक बार और दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ये कोड बिल्कुल चला गया है। अभी इसको रिजेक्शन आराम से होगा, तो रिजेक्शन करने के लिए जाना पड़ता है रूटीन टेस्ट में। चेक प्री कंडीशन में चलते हैं। उसके बाद देखिए ये सारा सब हीट टेम्परेचर कंप्लीट हीट होगा, उसके बाद हम फिर इसको रिजेक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा वीडियो में बने रहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए गाड़ी को अभी हम लोग ने स्टार्ट करवा दिया है। अब इस गाड़ी को सब कुछ सारा कुछ कंप्लीट है, टेम्परेचर जो भी कंडीशन होना चाहिए सारा कुछ ओके है। तो अभी यहाँ ओके करेंगे तो रिजेक्शन चालू हो जाएगा, करते हैं ओके। यस, जैसे कि देख पा रहे दोस्तों रिजेक्शन स्टार्टेड सक्सेसफुली, टेस्ट नीचे लिखा है टेस्ट इज रनिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका गाड़ी का अभी रिजेक्शन हो रहा है। दोस्तों इसी तरह अगर आपको काम करवाना है तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और किसी की सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी चाहिए तो कॉल कर सकते हैं। टाटा महिंद्रा सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी चाहिए, अगर किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए तो कॉल कर सकते हैं। टूल्स चाहिए गरुड़ा तो कॉल करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।